हाय गाइस, तो आज मैं बनाऊंगी हरियाली पापड़ करी। तो उसके लिए मैं पहले ले रही हूँ 5 पापड़, छोटे या बड़े ये आपकी चॉइस है। आप मसाले पापड़ भी ले सकते हैं या नॉर्मल पापड़ भी ले सकते हैं। तो कढ़ाई में मैं पहले पापड़ को दो दो करके रोस्ट कर लूँगी। आप चाहे तो ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं। तो जब तक ये सभी पापड़ रोस्ट हो रहे हैं, तब तक मैं एक मिक्सी के जार में 1/2 कटोरी पुदीना के पत्ते, 1 कटोरी धनिया के पत्ते, 1 हरी मिर्च और 1 टमाटर डाल रही हूँ और इसको अभी अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। तो ब्लेंड होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा और मेरा पापड़ भी रोस्ट हो चुका है। तो इसको उठा के रख दूंगी मैं और कढ़ाई में मैं 2 बड़ी चम्मच तेल डालूंगी। यहाँ पर मैं सनफ्लावर ऑयल यूज कर रही हूँ। ऑयल को कढ़ाई के चारों तरफ मैं फैला लूंगी और ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने दूंगी। चेक कर लूंगी कि ऑयल गर्म हो चुका है कि नहीं। ऑयल गर्म हो चुका है तो अभी मैं फ्लेम को एकदम कम कर दूंगी, नहीं तो ये छीटेगा। फ्लेम को कम करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा सा चटकने दूंगी। तो जीरा थोड़ा सा लाल हो चुका है तो अभी इसके अंदर मैं मिक्सी में पेस्ट किया हुआ जो पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और टमाटर का पेस्ट था उसको डाल दूंगी और एक बार मिला लूंगी। और फिर मिक्सी के ब्लेंडर में मैं 1/2 कटोरी पानी लेके बाकी जो पेस्ट है उसको भी इस ग्रेवी में डाल दूंगी। फिर से मिला लूंगी और इस ग्रेवी को ऐसे ही 2 से 4 मिनट तक मैं छोड़ दूंगी। 2 से 4 मिनट बाद ये कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और ये जो मसाला है वो पक के थोड़ा सा घना हो गया है। अभी इसके अंदर मैं डाल लूंगी 1/2 कटोरी कर्ड यानी दही। दही डालने के बाद गैस के फ्लेम को आप ऑफ कर सकते हैं या एकदम लो कर दीजिए और तुरंत उसको अच्छे से मिला लीजिए ग्रेवी में, नहीं तो ये मिक्स नहीं होता है। चलाते रहना है हमको। अभी उस कटोरी में ही 1/2 कटोरी पानी भर के मैं फिर से ग्रेवी में डाल दूंगी और अच्छे से फिर से मिला लूंगी। मिलाते जाइए इसको। देखिए ये उबलने लगा है तो अभी इसके अंदर मैं डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा चीनी, आप चाहे तो और लाल मिर्च या हरी मिर्च डाल सकते हैं, पर मैं इसे बहुत ज्यादा तीखा नहीं बना रही हूँ इसीलिए और ज्यादा मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ। तो फिर से चला लेंगे इस ग्रेवी को। और 1 से 2 मिनट वेट करेंगे, जब इस तरह से उबाल आने लगेगा तब हम जो सारे पापड़ हमने रोस्ट किया था उसको तोड़ के और एक बर्तन में रख देंगे। इस तरह से छोटे छोटे पीसेस करके हमको इसको तोड़ना है। आप चाहे तो बड़े पीसेस भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से मैं सभी पापड़ को तोड़ दिया है। तो अभी टाइम है ग्रेवी में पापड़ ऐड करने का।
बहुत ही आसान है ये रेसिपी और बहुत कम इंग्रेडिएंट में भी ये बन जाता है। तो इस तरह से हमें पापड़ को ऐड करके फिर से मिला लेना है और एक मिनट इसको फ्लेम पे ही रहने देना है और उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने और देखिए हमारा हरियाली पापड़ करी रेडी हो चुका है। इसको और एक बर्तन में लेके गरम गरम परोसिए और इसका मजा लीजिए। तो कैसे लगा आपको ये रेसिपी मुझे जरूर बताना। तो फिर मिलेंगे मेरे किसी और वीडियो या ब्लॉग पे, तब तक आप मेरे वीडियो देखते रहना। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय।